पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये ऐतिहासिक इवेंट है क्योंकि ये दूसरी बार है जब कोई सरकार कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जा रही है। अब आपको देते हैं आज की एक और अच्छी खबर, पर्यावरण को बचाने का एक बेहतरीन तरीका आपको दिखाते हैं। रद्दी अखबार दे दो, हरे हरे पौधे ले लो। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में अगर आप रहते हैं तो आप भी अपनी बगिया को हरा भरा बना सकते हैं। कीमत है रद्दी अखबार। नोएडा में रहने वाली सुधा सिंह हरियाली की वो मित्र हैं जो रद्दी अखबार और किताबों के बदले हरे हरे पौधे देकर आपकी बगिया को सजा देंगी। सुधा ने अपने इलाके को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक पहल की है। सुधा सिंह लोगों को अखबार की रद्दी या पुरानी रखी किताबों या कागजों पर बदले में उन्हें पौधा दे रही है। प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते तो जरूर है, लेकिन जरूरी ये भी है कि हम उसे वो सब वापस करें। ऐसी ही एक पहल करी है नोएडा निवासियों ने, जहां वो बेकार पेपर के बदले में पौधे खरीद रहे हैं। वेस्ट के बदले प्लांट्स दिया जाए, जो कि प्लांट्स किसी भी तरीके से घर के अंदर भी जाता है, चाहे कितना भी प्लांट्स चला जाएगा कभी भी खराब नहीं हो सकता कभी भी। तो उस तरीके से जो वेस्ट के आगे पीछे जो आदान प्रदान था उसमें ये था कि किसी मैं कोई ऐसा सामान या ऐसा पदार्थ नहीं दे रही हूँ जो कि वेस्ट और जनरेट कर रहा है। तो ये एक था कि ऐसी चीज़ दो जो कि इन्वायरमेंट को सोसाइटी को हेल्प भी करे, और प्लस जो मैं वेस्ट उठा रही हूँ, जो अभी मैं सिर्फ मात्र पेपर वेस्ट उठाती हूँ, तो वो जो भी मैं लेके आऊँ तो उसको चैनलाइज करूँ कि वो पेपर मिल या रिसाइकलर के पास चला जाए। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण, कटते पेड़ और बढ़ती आबादी को देखते हुए 1.5 साल पहले सुधा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने मिशन में जुट गईं। अपने शहर के लिए उन्होंने ये पहल शुरू की। शुरुआत में सुधा ने अपने पड़ोसियों से बात की और उनसे रद्दी इकट्ठा शुरू कर उनके घर के लिए उन्हें पौधा देना शुरू कर दिया। और अब वो नोएडा में तकरीबन हर घर से रद्दी इकट्ठी करती हैं और उस रद्दी के बदले उन्हें उनका पसंदीदा पौधा दे देती हैं। मुझे तो बहुत ही नेक काम लगता है, और ये जो इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट रूट्स के ज़रिए, ये बहुत ही आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि हमारा वेस्ट जो है उनके पास चला जाता है और हमारे पास में इतनी अच्छी ग्रीनरी आ जाती है, चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर, एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं उससे हम। सुधा सिंह की इस पहल से नोएडा तो हरा भरा हो ही रहा है, साथ ही वो इकट्ठी की हुई रद्दी को रिसाइकिल के लिए पेपर मिल तक पहुंचाती हैं। उनका मकसद है कि अगर हम प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं तो ये हमारा सबका फर्ज है कि हम उसे कुछ वापस भी करें। यशस्विका, जी मीडिया, नोएडा।